आज हम जल की घुलनशीलता के बारे में जानेंगे। जल में क्या घुलता है, क्या नहीं घुलता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, हमने चार कटोरियां ले रखी हैं, चारों में हम पानी डाल दे रहे हैं। हमारे पास चार चीजें हैं, नमक, चौक का पाउडर, चीनी और रेत। रेत क्या, एक तरह मिट्टी रखी हुई है। अभी देखते हैं क्या क्या घुलता है और क्या क्या नहीं। ठीक है, दिख रहा है सबको पानी। अब हम सारी चीजों में से एक एक चम्मच चीजें पानी में ऐड कर देंगे। एक कटोरी में हमने चीनी डाली है, हम सारी डाल दे रहे हैं। ये रहा हमारा नमक, सब लोग याद रखेंगे हमने किसमें क्या डाला है। ठीक है, इसमें चीनी डाल दी, इसमें नमक। ये रहा हमारे पास चौक का पाउडर, और हम ये चौक का पाउडर डाल दे रहे हैं। और चौथी कटोरी में हम डालेंगे रेत, माटी, दोनों मिक्स हैं। अब चम्मच की सहायता से हम सबको मिलाएंगे, घोलेंगे। हमें तब तक घोलते रहना है जब तक कि ये लगे कि घुल नहीं रहा। ये रहा हमारा चौक का पाउडर, है ना? क्या लग रहा है, क्या घुल जाएगा? चीन नमक घुल जाएगा। हम कोशिश करते हैं चारों कटोरियों को बराबर मिलाते रहें ताकि सारा मिश्रण घुल जाए। हम देखेंगे कि अगर जो चीजें मिल जा रही हैं, पानी में जो चीजें घुल जा रही हैं, उसे हम वो हमारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, विलय पदार्थ। क्या कहलाएंगे? जो हमारे पानी में घुल जाएंगे। पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। आप देख रहे हो क्या नहीं घुल रहा, आपके सामने दिख रहा है। हमने चौक को बहुत देर घुमाया, बट चौक का जो पानी है वो वैसा का वैसा है, दूधिया रंग का हो गया है। और यही हम चीनी का पानी देखेंगे तो ये हमें पानी जैसा लग रहा है। और ये यही रहा हमारा नमक का पानी, पीने में नमकीन जरूर लगेगा बट ये खुल चुका है, आपको इसमें नमक के कण नहीं दिखेंगे। दिख रहा है? नहीं दिख। अब हम लेते हैं जरा ये रेत का पानी। सारे रेत के कण, मिट्टी के कण, जो कि भारी भारी कण थे, हमारे सारे पानी में नीचे बैठ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। दिख रहा है? इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी दिख रहा है, पारदर्शी, है ना? बट हमारा जो ये रेत का पानी है और ये जो हमारा चौक का पानी है, ये हमारा बिल्कुल भी खुला नहीं है, वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, तो जो चीजें हमारी पानी में घुल गई हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विलय पदार्थ। क्या कहेंगे? विलय पदार्थ। और जो नहीं घुली हैं वो अविलय। क्या कहेंगे? अविलय। और ये जो हमारा चीनी और पानी का विलयन तैयार हो गया है, ये हमारा क्या द्रव में हमारी चीजें घुल गई है, उसने क्या तैयार किया? विलयन। विलयन। ठीक है, और जिस चीज में हमने पानी, जैसे पानी है हमारा क्या है? विलायक। मतलब जो हमारा विलय पदार्थ थे, यानी जो चीजें हमारी घुल गई, चीनी और पानी, वो हमारी किस चीज में घुल गई? पानी में घुली है, तो पानी हमारा हो जाएगा विलायक। ठीक है, और जो चीजें घुल गई उन्हें हम कहेंगे विलय पदार्थ। ये हमारा एक विलयन तैयार हो गया है, और जो नहीं घुल पाई है उन्हें हम क्या कहेंगे? अविलय। सारी, सबको समझ में आ गया है? यस मैम। इसी तरह हम अगली बार कुछ जल के गुणों के बारे में, कुछ नई चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या पता चलता है। कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगी, आज आपका होमवर्क रहेगा कि आज आप घर जाओगे और कुछ चीजों को खोल के देखोगे कि क्या घुल सकता है क्या नहीं पानी में। जैसे लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं, लकड़ी के बुरादे को खोल कर देखना, आप देखना वो घुलता है कि नहीं घुलता है, फिर हमें आप कल बताना आपने। ठीक है, लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं, या लोहे का छीलन जो होता है ना, बारीक बारीक, उसको खोल के देखिए क्या वो घुलेगा। सोच के बताओ क्या वो घुलेगा, पर आप इसे घर पे भी एक बार करके देखिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही।